वेलकम टू दिवा मंत्रा, दिस इज़ दिव्या योर होस्ट फॉर दिस चैनल। और आपसे मिलती हूँ इंट्रो के बाद, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रेड वाला जो सब्सक्राइब है उसे ग्रे कर दीजिए। मैंने बाल बांध लिए इंट्रो, जब इंट्रो चल रहा था तो मैं बाल बांध रही थी। जी हाँ, तो आज बात करूँगी 20 स्ट्राइक वाली माता जी की, जिन्होंने अपने कुछ चमचे भेजे थे मेरे चैनल पे मुझे ट्रोल करने के लिए। और आपने मैसेज तो पढ़े ही होंगे, आपसे मैसेज चालू हुए और तू पे ख़त्म हुए। जो लास्ट मैसेज था आपने एक स्क्रीनशॉट में मेरा देखा होगा, वहाँ पे मैंने बस एक बार इनको तेरे को बोला, क्योंकि काफ़ी देर से ये आपसे शुरू हुई, फिर ये तुम पर आई, फिर ये तू पर आई, तो मैं भी फिर लास्ट में तेरे गो पे आ गई। मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि सुनो, अब नाम तो मैं तुम्हारा ले नहीं सकती, तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ, क्योंकि तुम पहाड़ी इलाके से हो और आवाज़ बहुत करती हो। मैं तुम्हें बुलाऊँगी पहाड़ी झेंगुर। तो पहाड़ी झेंगुर, आपको जो कहना है ना झेंगुर माता, आप यहाँ पर आके मेरे चैनल पर डायरेक्ट बोल सकती हैं। शर्म आ रही है तो इंस्टा पर बोल सकती हैं, इंस्टा पे बोल सकती, लेकिन सोच समझ के बोलिएगा। ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि आप मुझे धमकी दें या ये सब करें, मेरे ऊपर नहीं चलता वो सब मेरे ऊपर नहीं चलता। मेरे जो मैंने कुछ जो वीडियोस बनाए 4 या 5, तो मैंने क्यों बनाए मैं उसका रीज़न बताना चाहती हूँ। रीज़न बताने से पहले एक चीज़ वापस क्लैरिफाई करूँगी। जब मैं कहती हूँ न्यू क्रिएटर्स, येस आई एम स्पीकिंग अप फॉर न्यू क्रिएटर्स, क्योंकि न्यू क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा यू नो बड़ा एक टारगेट देता है YouTube, 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा करने का और 1000 सब्सक्राइबर्स का, जो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, तो उस बौखलाहट में वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस, व्हेन आई से न्यू क्रिएटर्स, मैं ब्लाइंडली हर न्यू क्रिएटर को सपोर्ट नहीं कर रही। जिस न्यू क्रिएटर के पास मुझे लगता है कि कॉन्टेंट है, टैलेंट है, सिर्फ उनके सपोर्ट में हूँ। जो यहाँ पे वही काम करने आए हैं जो ये डेली ब्लॉगर्स कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, आई एम नॉट इन देयर सपोर्ट। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक नॉट सो न्यू क्रिएटर विद नॉट सो लेस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बट विद वेरी लेस व्यूज पॉइंटेड आउट कि मैं ना न्यू क्रिएटर की तारीफ करती हूँ ना पुरानों की, मैं अपनी रोटी सेक रही हूँ। तो नंबर वन, आप पड़ोसी की रोटी सेक रहे हो, आप बार बार मुझे पोक कर करके आप पड़ोसी की रोटी सेक रहे हो। अपने काम से मतलब रखो। जो तुम्हारा टाइटल था कि लगता है चैनल बंद करना पड़ेगा, मैं कहती हूँ कर दो, क्योंकि इससे गिरे हुए हालत में किसी चैनल को मैंने आज तक देखा नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, बट यू आर पोकिंग मी अ लॉट। ठीक है, एनी वेज आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग विद द चैनल, लेट्स गेट कंटिन्यूड विद दिस। एक मिनट, मेरा डॉगी बोल रहा है, एक मिनट। तो जब तुम लोग आके बोलते हो ना कि हमने मेहनत की, हम मेहनत से आगे बढ़े, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, मैं बोलती हूँ कि जो न्यू क्रिएटर्स ये काम कर रहे हैं, तुम लोग की फ़ोटो चिपका रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब गलत है। उनको नहीं पता, तुम लोग तो बैठे हो ना यूट्यूब पर पहले से, तुम लोग को पता है ना, प्यार से समझा दो। कैसे नहीं निकालेंगे तुम्हारी फ़ोटो, कैसे नहीं निकालेंगे तुम्हारे अगेंस्ट का नेगेटिव कॉन्टेंट। अब आगे इस चीज़ का मेरे ऊपर नहीं टेस्ट करना, मैं नहीं निकालूंगी। और तुम लोग क्या बोलते हो, मेहनत की है। अब इस हिमाचली झिंगुर को सुनो, मैं हफ्ते में 3 दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, साल के 365 दिन, राइट, डिवाइडेड बाई 3, 122 मैंने राउंड ऑफ किया है, 122 बार इन्होंने साल में बेडशीट चेंज की है, पिलो कवर्स चेंज किए हैं, सामान यहाँ से वहाँ किया है। आप इसी मेहनत की बात कर रही हैं क्या? मैंने आपके काफ़ी ब्लॉग्स देखे हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं इनसे कुछ सीख सकूं। ये मेकअप भी करती है तो बोलती है मुझे आता थोड़ी है, मतलब आप सब कुछ लोगों को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो, बस स्वीटली बात कर रहे हो, वो भी बन के लाड़ में आके, और यह मेहनत। और जहाँ मौका मिला कि नए क्रिएटर्स की काट दो जड़ ताकि भाग जाएं, इतना डीमोटिवेट कर दो कि भाग जाएं। तो अब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, किसी के लिए बराबर बेकार भी काम मत करो।
और ये बात मानो, जितने लोग ज्ञान देते हो कि नए क्रिएटर्स कुछ ये नहीं करते वो नहीं करते, एक ने तो बोल दिया सनी लियोन से ही कंपेयर कर दिया नए क्रिएटर्स को, वो तो बात मुझे समझ में नहीं आई, बट आई गेस शी वाज टॉकिंग अबाउट द सनी लियोनी ऑफ टिकटॉक, वो एक लड़का था ना वो सनी लियोनी वाला, उसके बारे में बात कर रही थी। सो आई नॉट टॉक अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट शी वांटेड टू से ओवर देयर, बट ऐसा जो नए क्रिएटर्स को इस तरह के उल्टे सीधे बहुत ताने वो भी मारती है, तो आऊंगी उधर भी आऊंगी मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं पहाड़ों पे हूँ। कुछ भी मैंने सुना है कि लोग कुछ इनको बोलते भी हैं, अच्छा कमेंट भी करते हैं नीचे, उसका रिप्लाई तक नहीं करते। तो तुम क्या सोच के आए हो यूट्यूब पर, कोई तुम्हारा नाम ना ले, तुम किसी का कमेंट का रिप्लाई ना करो, कोई तुम्हारे लिए वीडियो में अच्छा बुरा कुछ ना बोले, तो एक काम करो ना, इतनी ज़्यादा प्राइवेसी प्यारी थी तो क्यों आए सोशल मीडिया पे, चले जाओ बंद करो चैनल, तुम्हारी सारी प्राइवेसी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब आना हो ना मेरे चैनल पर, तो अपने रियल आईडी से आओ, ये फेक आईडी या फिर अपने चमचे भेजना ये सब मेरे चैनल पर करना मत, टैंट्रम्स ये सब यहाँ पे मत करना, मैक्स टू मैक्स आओ, डिसलाइक करो निकल लो, अगर बोलने की खुद मुंह पे आके अपनी रियल आईडी से आगे बोलने की हिम्मत नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है आप मेरे चैनल पर आओगे और यहाँ पे लोग आपको आपके पीछे लग जाएंगे, तो अगर आपको ऐसा भी लगता है तो आप आओ मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करो, लेकिन बहुत सोच समझ के बात करना मेरे से, तोल मोल के बोल करना, ठीक है, और यहाँ की वहाँ मत करना मेरे से, अगर आप यहाँ पर आके मेरे से कभी बात करो। वैसे तो मुझे पता है कि जो 3 साल से अपने सब्सक्राइबर्स को रिस्पॉन्स नहीं देती है, कोई रिप्लाई नहीं करती कमेंट का, वो क्या खा के यहाँ पर आके मेरे से बात करेगी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, बट एक वार्निंग है यहाँ पे मुझे आ गया ना लीगल एक्शन, क्योंकि नाम लिया, किसी का नाम लेने पे दुनिया में कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, क्योंकि नाम लिया ही इसलिए जाता है ताकि दुनिया वाले उस नाम से बुलाएं, ठीक है, तो इतनी परेशान है ना, इसलिए तुम्हारा नाम मैं रख रही हूँ पहाड़ी झिंगुर, तो पहाड़ी झिंगुर अपने लिमिट में रहो, अपने लिमिट में रहो, ठीक है, तुमको मैंने बहुत अच्छे से देखा है लोगों को ट्रोल करते हुए, इतनी रूड इतनी बेकार तरीके से तुम ट्रोल करती हो लोगों को, ये मत सोचना कि मुझे भी ट्रोल करोगी तो बच के निकल जाओगी, मैं चुप नहीं बैठती, बहुत ही जल्दी एक अपडेट दूंगी मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी सीधी हूँ, ठीक है, तो आज के लिए अभी तो मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में सोचने से मेरा मूड खराब हो जाता है कि किस तरह से ये पुराने गुड फॉर नथिंग टाइप के जो लोग बैठे हैं, कुछ नॉट सारे, कुछ गुड फॉर नथिंग लोग बैठे हैं जो यूट्यूब पर जिनका पता नहीं क्या देखने, झाड़ू पोछा घर का काम देखने के लिए लोग जाते हैं उसको, क्रिएटर्स वो क्रिएटर हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब झाड़ू पोछा इज़ क्रिएटिंग समथिंग, चेंजिंग बेडशीट इज़ क्रिएटिंग समथिंग, शॉपिंग दिखाना और ग्लोस लगाना इज़ क्रिएशन, चाय बना के पी लेना क्रिएशन, फूल पत्ते घास पत्ती दिखा दी क्रिएशन, अंडरस्टूड, कभी कभी अच्छा लगता है कि बड़ा सिनेमेटिक सा लगता है, बड़ा अच्छा सीन होता है बाहर, शेयर कर दिया, बट रोज़ का रोज एंड यू कॉल इट कॉन्टेंट, इनके जैसे लोग जब बोलते ना कि नए वालों के पास कॉन्टेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है सामने पड़े तो कान के नीचे गणपति बैठा दूँ। और हाँ, मैं हर नए क्रिएटर का साथ नहीं दे रही, लेट मी बी वेरी क्लियर, जो नए क्रिएटर्स भी ये सब कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ या तो तुम्हारे बिहाफ में बोल रही हूँ, तुम्हारी साइड ले रही हूँ, क्योंकि बहुत नए क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मिठाई का डब्बा लेके अभी ऊपर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे अभी, ओ दीदी आपके बारे में ऐसा बोला मुझे नहीं अच्छा लगा, हाँ उसने उनके बारे में ऐसा बोला, ये तो गड़ी बात बोल रही है ये वो, तो जो मिठाई का मोतीचूर का डब्बा लेके जाएंगे ना उनका साथ नहीं दे रही मैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिन्हें लगता है कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ अचीव करना चाहते हैं, मैं उनके भी आप में बोलती हूँ, एंड आई एम वन ऑफ देम ऑब्वियसली, और ना ही मैं सारे पुराने वालों के पीछे हूँ, मैं सिर्फ उनके पीछे हूँ जो यूट्यूब पे कूड़ा अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ उनके पीछे हूँ, और वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कॉन्टेंट नहीं, हमारे पास तो कॉन्टेंट की कमी नहीं है, तो मैंने दिखाया था थोड़े मेरे जो पिछले 2-3 वीडियो हैं उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से दिखता है इनका कॉन्टेंट अच्छा वाला,
ऑन यूट्यूब। तो यही था मेरा पर्पस जो मेरे पिछले 2-3 वीडियो अपलोड हुए हैं उसका। और बाकी मैं ये कहूँगी कि कितना को मिस्टर इंडिया वाले जीजू के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने में बीच में एक बार मेरे डॉगी ने भौंका, उसके बाद 2 बार मेरे फ़ोन ने डिस्टर्ब किया, तो आपको इसमें काफ़ी सारे कट्स दिखेंगे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू स्पूफ वीडियो ऑन दिस चैनल। सो इफ यू वॉन्ट अ क्वेश्चन आंसर वीडियो, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई सी यू वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय। तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। जिसे जो करना है करो, अपने चिरकुट सब्सक्राइबर्स या अपनी चिरकुट फेक आईडीज से यहाँ पर आके कमेंट मत करना, ऐसे ही लटका दूंगी वीडियो बना के परमानेंटली, ठीक है।